नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं मौजूद हूं, ज्यादा बेहतर है पहले आपको एक स्क्रीन दिखा दूं, उसके बाद बताऊं कहां पर। सिनर्जी कैंसर केयर यूनिट ऑफ नेशनल हॉस्पिटल वेलकम कर रही है। क्यों कर रही है बात, आज इसको लेकर ही मैं करने जा रहा हूं। अपने दर्शकों को बता दूं, अभी तक कैंसर के इलाज के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल पाता था, खर्च भी ज्यादा होता था। लेकिन रीवा के नेशनल अस्पताल ने आज एक, आपको थोड़ा सा आपके स्क्रीन पर एक चीज और भी दिखा दूं, ये तमाम जो बेड लगे हुए हैं ये केवल और केवल कैंसर पेशेंट के लिए बेड है। ज्यादा बात करने के लिए हमारे पास डॉक्टर अखिलेश मौजूद हैं, जो इस अस्पताल के संचालक भी हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने एक ओपनिंग की है, क्या है ओपनिंग और क्यों की? आज जो हमने नेशनल अस्पताल रीवा में एक जो ओपनिंग करी है, ये बेसिकली कैंसर के मरीजों को ध्यान में रखते हुए, जो कि विंध्य क्षेत्र में कहीं न कहीं इनका संपूर्ण इलाज नहीं हो पा रहा था। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि पिछले एक साल से हम कैंसर की सर्जरी तो कर रहे थे, 60 से 70 सर्जरी हमने अमूमन कर ली है एक साल में, डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर की मदद से। सर्जरी के बाद मरीजों को हमेशा से जरूरत रहती है कीमोथेरेपी की, जो कि एक प्रकार की दवा होती है, और दूसरी रेडिएशन की, और सामान्य बोलचाल की भाषा में बोले तो सिकाई की। तो ये दो कमियां हमें हमेशा से यहाँ पे चलती रही हैं, और कहीं ना कहीं मरीज को कहीं जाने आने में तकलीफ होती थी, या गरीब मरीज रहता था तो आयुष्मान मरीज रहता था तो वो पेइंग कैपेसिटी नहीं रहते थे। होती क्या थी तकलीफ, कि कैंसर का ऑपरेशन होने के बाद ये दोनों ने दो चीज़ों का, कीमो या रेडिएशन के थ्रू नहीं गुजरे हैं, और उनको यदि आवश्यकता है तो बीमारी वापस आ जाती थी, जो कि इन चीज़ों को देखकर काफ़ी दुख लगता था, और हम उनके लिए अपने को असहज और असहाय महसूस करते थे कि इनका आगे का इलाज नहीं करा पा रहे हैं किसी ने वजह से। तो इस विचारधारा को लेकर हमने और डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर ने इस विषय में सोचा समझा, और पिछले दो महीनों से भोपाल में आना जाना और कई बार मीटिंग्स के दौर गुजरे, जिस पे हमने वहाँ के डायरेक्टर सर डॉक्टर गौतम सरीन सर से इस विषय में चर्चा करी, और अपनी जो इस क्षेत्र में कमियाँ हैं उसके बारे में उनको अवगत कराया। वहाँ पे डायरेक्टर मैडम हैं, उनसे भी इस विषय में चर्चा करी। तो इस बात के लिए एक बहुत अच्छा माहौल या प्लेटफॉर्म तैयार हुआ कि क्यों ना रीवा में एक अलग पृथक से कैंसर केयर यूनिट ही खोल दी जाए। ज्वाइंट कैंसर केयर यूनिट आपने अलग से खोल दी, तमाम तरीके की सुविधाएं देने की भी बात आपने कही। सवाल यह है कि जैसे मैं अभी एक रिसर्च भी पढ़ रहा था, तो अमूमन यहाँ पर 1000 से 1500 पेशेंट हर साल कैंसर के निकल आते हैं, इतने पेशेंट इस इलाके में होते क्यों हैं? तो उसके तो कई कारण हैं, जिसके बारे में डॉक्टर योगेश्वर सर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। सामान्य तरीके से अपन बोलचाल की भाषा में बोले, जैसे मुख का कैंसर है तो गुटखा तम्बाकू बीड़ी है ना, और लंग्स का कैंसर है तो सिगरेट, ब्रेस्ट का कैंसर है तो हार्मोन चेंजेस, बच्चेदानी का कैंसर है तो वो भी हार्मोन चेंजेस, और ऐसे ब्लड के कैंसर है तो कुछ जेनेटिक, कुछ अननोन एटियोलॉजी के होते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर हैं, वो पूरा एक विषय है। तो एक एक विषय पे ही एक अलग अलग से लिटरेचर है, जिससे एक एक विषय पर अलग से बात करूंगा। अभी मैं आपसे और बात करूंगा डॉक्टर योगेश्वर, यहाँ पर आप कैंसर के मरीजों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आज आपने एक कैंप भी लगाया, कीमो और तमाम तरीके की बात होती, जो कीमो के बारे में थोड़ा समय दर्शकों को समझाइए। जी नमस्कार, सबसे पहले तो ये हर्ष का विषय है कि आज हमने यहाँ कैंसर यूनिट का शुरुआत की है, जिसमें कि कीमो, जो आपने शब्द यूज किया, कीमोथेरेपी के साथ प्रॉब्लम ये है कि विंध्य क्षेत्र में कहीं भी कीमो के कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। जो भी लोग हैं लोगों की मदद के लिए कीमो का काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से कि बाहर से लोग प्रोटोकॉल बनवा के ले आए हैं, कैसे कैसे करके हम मदद के लिए चीज़ें कर रहे हैं। तो ये बात मेरे और अखिलेश के बीच में आई कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सर्जरी हम कर रहे हैं, एक साल से कर रहे हैं, 70 से अधिक सर्जरी कर चुके हैं, लेकिन कीमोथेरेपी के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी उपलब्धता नहीं थी। तो वो हमने टाइप जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल से किया है, जिसके तहत हमें वीकली आधार पर वहाँ से स्पेशलिस्ट आएंगे, यहाँ पे लोगों को जांच करेंगे, उनकी कीमोथेरेपी की जरूरत होगी वहाँ यहाँ पूरी करेंगे। क्या ये माना जाए कि कीमो निकट भविष्य में हम रीवा में ही उपलब्ध करा देंगे, कीमो के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही उद्देश्य है और यही टाइप है जवाहरलाल के साथ, कि जो मरीज इच्छुक हैं, कंफर्टेबल हैं यहाँ कीमो लेने में, उनका पूरा पूरा कीमो का इलाज यहाँ पे संभव है, हो सकता है, जिस वार्ड में हम खड़े हैं यहीं हम ये चीज शुरू करने वाले हैं।
जिस जगह पर हम खड़े, हालांकि मैं अपने दर्शकों को वो जगह पहले भी दिखा चुका हूँ, तमाम बेड लगे हैं, आज आपने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। कीमो आप यहाँ पर देंगे, जवाहरलाल भोपाल आपकी इस मामले में मदद करेगा। क्या आपको लगता है कि सीमित संसाधन में आप बेहतर तकनीकी का इस्तेमाल करके बेहतर उपचार दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि शुरुआत में भी ये चीजें आई थी, जब हमने सर्जरी शुरू की थी एक साल पहले, तो लोगों को लगता था कि यार यहाँ ये चीजें पॉसिबल नहीं है, पर जैसे जैसे जो जो कमियां हमें समझ में आई, हमने उस इक्विपमेंट्स, चीजें, नई नई तकनीकें सब लाए हम, और आज की डेट में हम हर कैंसर की सर्जरी यहाँ पे कर रहे हैं। उसी तरीके से शुरुआती दौर में बिल्कुल बात सही है, जो संसाधन हमने अभी जुटाए हैं उसके आधार पे हम कीमो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे मरीजों की जो जरूरतें हमें समझ में आएंगी और चीज़ें लानी है, नई नई तकनीकें लानी है, जैसे डॉक्टर अखिलेश कभी भी हर इस चीज़ में कोताही नहीं करते और तत्पर रहते हैं कि जिस भी चीज़ की ज़रूरत है मुझे यहाँ मुहैया कराई गई, और इसलिए आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि विंध्य नहीं, नहीं पूरे एमपी का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल, और ये मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल का ये पहला टाई अप है किसी भी अस्पताल से किसी भी क्षेत्र में कीमो के लिए, सर्जरी के लिए, रेडिएशन के लिए, तो कहीं ना कहीं ये तो बड़ी बात है, खासतौर पर रीवा शहर के उन लोगों के लिए बड़ी बात है जो कैंसर से पीड़ित हैं। आपने भोपाल के एक सबसे, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल से टाई अप किया, वो सुविधाएं आप रीवा में लेकर आए हैं। आज आपने कैंप भी किया था, किस तरीके से आपको पेशेंट मिले थे और किस तरीके से आपने उनकी जांच की? कैंप पे बताना चाहूंगा कि इस टाई अप के माध्यम से हमने जो तीनों विभाग के स्पेशलिस्ट हैं, आंको सर्जरी में डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर, आंको मेडिसिन जिसमें कीमो लगाया जाता है उसमें डॉक्टर सौनक वाल्मे सर, और रेडिएशन डिपार्टमेंट में खुद जवाहरलाल कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर डॉक्टर गौतम सरीन सर उपलब्ध हैं, जो जिन मरीजों को जिस भी विभाग में दिखाना है वो दिखाते हैं। यदि इनको आंको सर्जरी में देखा गया है और जरूरत है आंको मेडिसिन में दिखाने की, तो भोपाल नहीं जाना पड़ा आज, अच्छी बात है, वहीं बगल के कमरे में आंको मेडिसिन में दिखा लिया, और जरूरत पड़ी कि कुछ रेडिएशन की संबंधित भी कुछ जानकारी चाहिए या ओपीडी चाहिए, तो उनको लिए फिर नहीं जाना पड़ा, तीसरे कमरे में डॉक्टर गौतम सरीन जो डायरेक्टर सर है उनको उन्होंने वहां दिखा लिया। तो इसे हम ऐसे मेडिकल बोर्ड मान सकते हैं या मेडिकल बोर्ड ही ये कहलाता है, जिसमें तीनों तरीके के विशेषज्ञ आज पहली बार इस धरा पे उपलब्ध है। पहली बार इस धरा पर आज कैंसर का पूरी यूनिट उपलब्ध थी, जिस तरीके की भी ट्रीटमेंट की जरूरत थी कहीं दूसरी जगह रिकमेंड नहीं करना पड़ा, यहीं पर उनको देखा गया और उनको समझाइश दी गई, बेहतर इलाज के बारे में बताया गया। हमारी नजर लगातार डॉक्टर अखिलेश, डॉक्टर योगेश्वर पर लगातार बनी रहेगी, हम इनसे बीच बीच में बातचीत करते रहेंगे, कैंसर के अवेयरनेस को लेकर, कैंसर में किस तरीके से अगर हो जाता है। एक सवाल और भी है डॉक्टर साहब, आप दोनों से सवाल है, सवाल यह कि जैसे किसी मरीज को कैंसर हो गया और वो ट्रीटमेंट काफी महंगा पड़ता है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर उपलब्ध सावधानियां क्या बरतनी पड़ती है? जैसे कोई मरीज इलाज नहीं करा पाता है तो दो चीज़ों की व्यवस्था हमने यहाँ पे कर रखी है। अमूमन पहली चीज़ है जो भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत योजना, उसमें हमने ब्रेस्ट कैंसर और थायराइड के कैंसर, ये हमने आयुष्मान भारत में हमारे पास इम्पैनल है, पूरी तरीके से निःशुल्क ये हम ऑपरेशन कर रहे हैं। हमने निकट भविष्य के लिए पूरा कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट, ऑन्को मेडिसिन, इसके लिए भी आयुष्मान के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, और शासन प्रशासन का सहयोग रहा तो पूरी तरीके से कीमोथेरेपी और सर्जरी सब निःशुल्क हो जाएंगी आयुष्मान होल्डर के लिए। फिर कुछ ऐसे मरीज आते हैं जो गरीब हैं पर आयुष्मान की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं किसी कारणवश, तो उनके लिए होता है मुख्यमंत्री सहायता योजना और विभिन्न सरकारी योजनाएं रहती हैं, उनको हम यहां से लेटर ड्राफ्ट करके और कहने का मतलब कि आप अब ज्यादातर पेशेंट का ट्रीटमेंट यहीं कर देंगे, पैसे की वजह से उनको दिक्कतें नहीं आएंगी। डॉक्टर साहब अंतिम सवाल, किसी को कैंसर हो गया है तो ये सारी चीजें तो तय हो गई, यहाँ पर जैसे आपने भी बताया कि मुख का कैंसर सबसे ज्यादा आमतौर पर देखा तंबाकू गुटखे की वजह से, तो जरा एक जो आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक छोटी सी अपील तो बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैं विंध्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ लंबे समय से, तो मैं ये आपको बिल्कुल कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 80% कैंसर जो यहाँ पे पाया जा रहा है मुंह के कैंसर का है, जो कि सारा का सारा तंबाकू गुटखा और सुपारी के सेवन के कारण होता है। तो मैं सबसे अपील यही करूँगा कि कैंसर से इलाज लेने के बजाय कैंसर से बचिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, बचने का सबसे सिंपल कारण है, सबसे सिंपल साधन है
कि इन चीजों का सेवन ना करें, और आपके आसपास परिवार में कोई सेवन करता है तो उसे भी समझाइश दें कि इन चीजों से परहेज करें, इन चीजों से परहेज करें। थोड़ा सा परहेज आपके जीवन की रक्षा कर सकता है, कैंसर होने से बचा सकता है। ये टीम जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस टीम ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इन्होंने कैंसर पेशेंट के लिए सब कुछ रीवा में उपलब्ध कराया था, उसकी एक वानगी आज देखने में नजर आई। कैंसर को लेकर जो भी ट्रीटमेंट की जरूरत थी आज रीवा के नेशनल अस्पताल में यहां पर उपलब्ध था। आज के लिए इतना ही, अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।